हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये सहजन की सब्जी, इसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। तो इसे आइए हम अब छील कर आपको दिखाते हैं कैसे छीलते हैं। इसे यहाँ से कट करेंगे, उसके बाद उसके लगे हुए साथ में ऐसे खींचेंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम इसे साफ करेंगे यूं। इससे बहुत छिलका निकलता है अगर आप सावधानी से अगर आप इसके साफ करें तो। देखिए कितनी लंबी लंबी निकल रही हैं। इस तरह से हम कुछ इस साइज के हम काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से मैं सभी को साफ कर लूँगी। देखिए मैंने सारे ड्रम स्टिक को छील लिया अच्छे से। अब मैं आपको मसाला बता देती हूँ जिसे हम पीसेंगे। ये धनिया पाउडर, प्याज, लहसुन की 6 से 7 कलियाँ, 2 हरी मिर्च, अदरक, और ये मेरे पास है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर, और ये 1/2 टेबल स्पून जीरा। इसे हम पीस कर पेस्ट बना लेंगे। मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दी थी। अब इसमें डालेंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आप जो भी ऑयल खाती हैं आप वो डालें। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक, और फिर इसे हम इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर। देखो तो अभी देखिए तो ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 आलू, मैंने डाला है तो मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। हमारा आलू भी फ्राई हो चुका है, हम आलू को भी निकाल लेंगे इससे। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, अब इसमें हम डाल देंगे पेस्ट, अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। अभी हमारी मसाला फ्राई हो रही है तो इसी के साथ हम डाल देंगे ये हमारा आलू और सहजन, ताकि हमारा मसाला पकने के साथ साथ हमारी सब्जियां भी पक जाएं। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर 1 काट कर, और फिर इसे मिक्स कर कर ढक देंगे। आप चाहे पिस्ता सूखी भी रख सकती हैं, पर मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्की सी बनानी है। सहजन की टेस्टी टेस्टी सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, और अपने घर में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। विथ आलू के साथ बहुत अच्छी लगती है। सो थैंक यू।